हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी की ओर से रिजल्ट को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हाँ, रिजल्ट को लेकर एनडीटीवी का जो नया अपडेट आया, साथ ही दो बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हो चुकी है 14 फरवरी 2019। 14 फरवरी 2019 को रेलवे की जो ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं रेलवे ग्रुप डी की ओर से जो एनडीटीवी इंडिया की ओर निकल कर आ रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के जो रिजल्ट 17 फरवरी को आएगा या नहीं आएगा, इसके अंदर अधिकारियों ने क्या बात कही है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो आपका रिजल्ट है कब आएगा और उसकी किस समय आ सकता है, इसका जो विवरण है वो दिया गया है। आपको बता दें जो आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है। आरआरबी अधिकारियों ने कहा कि इसमें 1.89 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था, जबकि परीक्षा में 1.17 करोड़ उम्मीदवारों ने भाग लिया था। आपको बता दें जो आपके समय जो टाइम डेट दिया गया था वो 13 फरवरी 2019 दिया गया है और इसके अंदर जो शाम की 8:19 की ये आपके सामने खबर है। तो आपको बता सकते हैं कि इसके अंदर आपका रिजल्ट आने वाला है। साथ ही इसके अंदर बताया गया जो इसके जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो आपकी जो शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी, यानी आपका पीटी टेस्ट होने वाला है। आपको बता दें इसकी जो खास बातें बताई गई है इसके अंदर कि आपका जो रिजल्ट है वो किसी भी समय जारी किया जा सकता है और इसकी जो एग्जाम हुई थी जो साल 2018 के अंदर हुई थी और इसके अंदर जो पोस्ट है वो 62,907 पोस्ट हुई है। साथ ही इसके अंदर बताया गया कि जो रेलवे ग्रुप डी के उम्मीदवारों का रिजल्ट 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों का रिजल्ट जल्दी जारी करेगा, 13 फरवरी को किसी भी समय जारी किया जा सकता है। जी हाँ, जो पहले बताया जा रहा था कि 13 फरवरी को आएगा, लेकिन अब जो नई डेट निकल कर आ रही है वो 17 फरवरी है। आरआरबी के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक रेलवे का रिजल्ट मध्य फरवरी के मध्य में जारी किया जा सकता है। जारी करने से पहले एक नोटिस जारी किया है कि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 17 फरवरी को रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन आरआरबी के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। आरआरबी के अधिकारी ने कहा करीब 1.89 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था, जबकि इस परीक्षा में 1.17 करोड़ उम्मीदवारों ने भाग लिया था। इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करना एक बड़ा काम है। हम नहीं चाहते कि रिजल्ट में कोई गलती हो। आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट सभी आरआरबी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जी हाँ, जो आरआरबी की जो जितनी भी वेबसाइट हैं सभी पर इसका रिजल्ट आ जाएगा। आपको बता दें उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन रिजल्ट कर सकते हैं। रेलवे इंडियन ग्रुप डी के 62,907 पदों के लिए विज्ञापन पिछले साल जारी किया गया था। पिछले साल ही भर्ती के लिए पहले स्टेज की परीक्षा आयोजित की थी। पहले स्टेज की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हुई थी। पहले स्टेज की सीबीटी 17 सितंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आयोजित की गई थी। तो आपको बता दें जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए एनडीटीवी इंडिया का रिजल्ट आया है तो उसके अंदर बताया गया कि इसके 17 फरवरी को आपका रिजल्ट आ सकता है और इसके अंदर बताया गया कि किस प्रकार आप अपने रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसके अंदर जो आपको सबसे पहले जो स्टेज बताई गई है कि सबसे पहले आपको जो रेलवे ग्रुप डी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट का जो लिंक दिया जाएगा आपको आरआरबी ग्रुप डी का, उसके लिंक पर क्लिक करना होगा। रिजल्ट चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन के नंबर जन्मतिथि की मदद से आपको लॉगिन करना होगा। अब आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। भविष्य के लिए आप अपने रिजल्ट का जो प्रिंट आउट है वो लेकर सेव कर सकते हो और आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप अपने जो फिर जो जिन विद्यार्थी पास होंगे उनका पीटी एग्जाम होगा। आपको बता दें महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग पीटी का एग्जाम अलग अलग होगा, क्योंकि महिलाओं का कम वजन उठाना होगा और पुरुषों को ज़्यादा वजन उठाना होगा। वहीं बात करें इसके अंदर इसके बाद में जैसे ही आपका पीटी एग्जाम हो जाता है उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। आपको बता दें इसके लिए जो वेबसाइट भी दी गई है कि कौन कौन सी वेबसाइट पर आप जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। आपके सामने स्क्रीन पर ये वेबसाइट हैं आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिसपुर और ये जितने भी आपकी जो आप रीजन वाइज अपने जहाँ से फॉर्म भरा है इन वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। साथ ही दूसरी बड़ी खबर भी निकल कर आ रही है आरआरबी ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर के, आपके जो आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट है वो कब जारी किया जा सकता है वो खबर भी आपको दिखा देते हैं। तो ये दूसरी खबर निकल कर आ रही है लाइव हिंदुस्तान की ओर से। जी हाँ, जो लाइव हिंदुस्तान की ओर से आरआरबी ग्रुप डी के भर्ती को लेकर जो बड़ी खुशखबरी आ रही है वो भी है, एक बता दे कि कब आएगा आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट। तो जो नया अपडेट निकल कर आ रहा है वो बता देता हूँ आपको। इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर बताया गया कि रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड फरवरी माह में आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। रेलवे वरिष्ठ अधिकारी ने बताने की शर्त पर कहा कि हम रिजल्ट जारी करने में फिक्स डेट नहीं बता सकते, लेकिन इतना कह सकते कि इस माह में वो किसी भी जारी किया जा सकता है। तो एक बड़ी खुशखबरी आपके सामने आ रही है कि इस माह के अंदर कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में पिछले दिनों से चल रहा था कि रिजल्ट 13 फरवरी को घोषित हो सकता है, इसके बाद कुछ जगह पर 17 फरवरी की डेट भी आ गई, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक रिजल्ट घोषित होने की अभी कोई डेट कन्फर्म नहीं हुई है। तो ये अभी कहीं नहीं बताया गया कि आपका रिजल्ट जो 17 फरवरी को भी आएगा या नहीं आएगा, ये इसके अंदर बताया जा रहा है। आपको बता दें रेलवे ग्रुप डी की सीबीटी परीक्षा 17 सितंबर से लेकर 17 दिसंबर तक चली है। 63,000 पदों पर भर्ती के लिए करीब 1.89 करोड़ उम्मीदवारों ने भाग लिया था और 1.89 करोड़ उम्मीदवारों में से जो जिन्होंने एग्जाम दी थी वो इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें जैसे अगला चरण इसका पीटी होने वाला है।
रेलवे ग्रुप डी सीबीटी में जो उम्मीदवार पास होंगे उन्हें पीटी में बुलाकर पास किया जाएगा। जैसे ही उनका पीटी में जिन जिन विद्यार्थियों का पीटी हो जाएगा, आपको बता दें पीटी की एग्जाम आपकी एक ही बार होगी। जैसे विद्यार्थी पीटी के एग्जाम पास कर लेते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपके सामने लाइव हिंदुस्तान और इंडिया की तरफ से दो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही थी जो रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर के। रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आपको सामने कब तक आ जाएगा? आपको रिजल्ट को लेकर किसी प्रकार की डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जी हाँ, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर आपके सामने जो ब्रेकिंग न्यूज़ है हम आपके लिए लेकर आते हैं। पल पल के रिजल्ट ग्रुप डी का लेकर आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।